कन्या राशि वालों, आपके लिए विशेष दिन भी है और लाभकारी भी है, सुखकारी है। आपके जीवन में धन धान से आप परिपूर्ण होंगे। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आपको एक अवसर मिलने वाला है। आपके नौकरी में रुका हुआ है कोई मामला तो भी सफलता प्राप्त करें। व्यापार में कोई काम रुका हुआ है तो उसमें सफलता प्राप्त करें। किसी प्रकार की कोई दोष है तो भी आपका समाप्त होने वाला है। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका जो जीवन है वो किसी प्रकार लेकर थोड़ा परिवार में मतभेद बनाया जा सकता है, परिवार में कलह पैदा किया जा सकता है। इसलिए आपको बच करके रहना है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। पारिवारिक कलह से आप बचिए, आपको धन धान से परिपूर्ण होने वाले हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका सुख ही जीवन का कारण बन रहा है। ये महीना जो मई का है आपके लिए, जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए और लोगों के लिए सबसे अच्छा है। बस ये ध्यान रखिए कहीं माता पिता से किसी प्रकार का विवाद ना हो, ससुराल पक्ष में किसी प्रकार का धन का हानि ना हो। ये थोड़ी सूचनाओं से सावधान रहिएगा। ये महीना आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, सुखकारक है। अनेक प्रकार का उनको लाभ प्राप्त होने वाला है। आप चिंता न करें, कोई समस्या जो है उसमें थोड़ा समाधान भी आपके लिए बता रहा हूँ। आप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है आपको? करना आपको ये है कि आप प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में बड़े प्रेम से दो रोटी लेकर के, एक रोटी जाकर गौ माता को खिलाना है, एक रोटी लेकर के और कुत्ते को दे देना है। उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा और देने के बाद में गौ माता को आप प्रणाम कर लीजिएगा। आपको सुख प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। और मंत्र का जो जाप करना है वो आपके लिए है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाथाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। जय श्री राम। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।